हेलो गाइस, वेलकम बैक। जी, जो गाड़ी खड़ी हुई है ये है एक्टिवा 5G। और इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो एक ये यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, इसको ट्रिप मीटर की रबड़ कहते हैं। ये जो रबड़ है, अब मैंने अंदर घुसेड़ दी। अब ये देखो, इस तरीके से कुछ ये बाहर आ गई है। अब इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी गाड़ी में, मैं आपको बता दूँ कि मान के चलो, अगर ये रबड़ यहाँ से निकल गई इस होल के थ्रू, जैसे बारिश है या कहीं भी गाड़ी खड़ी है, इसके थ्रू अगर इसके अंदर पानी जाएगा तो इस मीटर के अंदर सब पूरा पानी चला जाएगा और ये मीटर चलना बंद हो जाएगा। ये उल्टा सीधा चलेगा, मतलब ये कोई भी चीज़ प्रॉपर सही तरीके से नहीं दिखाएगा, जैसे अब दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। ये अगर इसके अंदर पानी चला गया तो ये मीटर काम नहीं करेगा प्रॉपर, ये नंबर वंबर सब उल्टे सीधे चलेंगे, ये बार बार सुई ऊपर नीचे होगी पानी जाने के कारण। ये क्यों होती है, क्योंकि ये जो मीटर है ये है डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि जब पानी चला जाता है तो सेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक पहले भी एक वीडियो बनाया था, ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो वॉच कर लेना कि इसके अंदर पानी जाने से गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। 5 रुपये की रबड़ है ये, 5,000 रुपये का नुकसान कर देगी आपकी गाड़ी के अंदर ये 5 रुपये की रबड़। सिर्फ 5 रुपये की रबड़ मिलती है। अगर आपकी गाड़ी में ये रबड़ नहीं है, बारिशों का टाइम है, इस चीज़ को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। इस रबड़ को लगवा लो, 5-10 रुपये का आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। फिर हम बाद में देखते हैं कि ये भाई ये क्या प्रॉब्लम हो गई। अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, अब ये प्रॉपर तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, मैं इसको अंदर घुसेड़ दूँगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्यूक हो गया, या फिर जो बोलते हैं बॉन्ड कहते हैं, जैसे बॉन्ड इस पर डाल दूंगा तो ये यहाँ पे ऐसे कवर हो जाएगा, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो किसी भी गाड़ी के अंदर हो, बाइक के अंदर हो, इग्नोर ना करें, इस रबड़ को डलवा लें 5-10 रुपये के चक्कर में ही। तो आप वॉचिंग दिस वीडियो।